इनको वो मैंने मेडिटेशन की एक तरीका बताया था और मैंने कहा कि जो जो देखोगे वो करना है बेसिकली। तो मैंने दिनों का ज़्यादा कहे थे लेकिन वो टू मच हो गया था, तो फिर मैंने कहा डे कट कर दो, मैंने कहा इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना। तो आई थिंक ख़त्म हो गया था विद इन दिस वीक, दिन नहीं बताएंगे क्योंकि उससे दिनों का पता चल जाएगा। अब बताओ पहले दिन क्या देखा, जो जो लिखा है ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको और इसकी भी क्लिप बना दो ना। अच्छा, पहले दिन ठीक है। अच्छा, पहले दिन मैंने ये देखा कि आंख बंद होते ही जो है ना, व्हाइट लाइट गोला सा जैसे होते हैं ना, जैसे ब्लैक होल होते हैं, लेकिन वो लाइट का वो था, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया, और वो इतना बड़ा हुआ है कि मैं उसके अंदर जाने चला गया हूँ, और अंदर जाता जा रहा हूँ जाता जा रहा हूँ, उसी लाइट के अंदर हल्का सा धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, और उसके बाद कुछ लोग आते जाते ना आगे पीछे ऐसे जा रहे हैं, और लाइट के अंदर जाता जा रहा हूँ। तो लेकिन काफी अंदर तक जाता गया हूँ, तो फिर मैं खुद रुक गया क्योंकि शाह साहब ने कहा हुआ था कि ज्यादा घूमना हो गया ना, कि घूमने मतलब जाना। कि हाँ ये लेकिन जब मैं रुका हूँ तो लिटरली ये नहीं कि आंख खोल दी, जैसे ही रुका हूँ लाइट से वापिस आता हुआ भी वो पता लगा कि वापिस आ रहा हूँ उस हॉलो से, लाइट के अंदर से। कौन वो वाली लाइट है, ये वो वाली व्हाइट लाइट है सी? जो केमिकल रिएक्शन से नहीं आती। दिस इज दैट व्हाइट लाइट, ये वो व्हाइट लाइट है कि जब आदमी जो है ना, जब जान निकलती है, जब रूह अलग हो जी रही होती है, तो वाइट लाइट नज़र आती है। ये वो वाली वाइट लाइट है, क्योंकि अगर थोड़ी देर और करते, ओके, अगर 30 सेकंड भी और करते तो आप यानी कि दद्दा जो है ना रुक सकते निकल स्कॉर। लिए थे। हाँ ठीक है, यानी कि इस वक्त जो है इनकी इसालो सवाब की वो पढ़ रहे होते। हफ्ता हो गया था ना, पूरा हफ्ते बाद ही करते, ठीक है ना, अफसोस के साथ। जी ठीक है ना, मिसबा कह रही है डैम इट हो ही जाता, देखो लो यार हरकतें मिसबा की यार, सलब सलब बच कैसे सेम गया। ठीक है ना, मैं अभी जा रही हूँ अपने पीर के पास पूछने के बच कैसे गया ये। अच्छा, नेक्स्ट डे और जो है, कितना, और ये जो कितनी देर किया था हवा से खमसा का, कितनी देर किया ये था पहले करीब दिन टाइम वाइज, पहले दिन 1-1.5 मिनट, मैक्सिमम को, नहीं, 10-15 सेकंड, 20 सेकंड मैक्सिमम। 15 सेकंड में, ठीक है ना, जी और वो एक दफ़ा किया था। और ये नहीं बताएंगे जी कितनी दफ़ा आखिरी हुआ था, मगर ये बढ़ाते चले गए थे कुछ दिनों तक, उसके जी बाद बंद कर दिया था क्योंकि सारा राज उसके अंदर है, दिनों में सही है, दिनों में और तादाद में, वो सारा राज उसके जी अंदर है। हाँ फिर दूसरे दिन ठीक है। अच्छा हाँ, ये दूसरे दिन का था जिस पे शाह साहब ने कहा था कि ये मैं बता देता हूँ अभी। सबसे पहले तो शुरू होते ही मैं ऑलरेडी इस बार जो है व्हाइट लाइट के बिल्कुल एज पे था कि शुरू हुआ है डायरेक्ट अंदर उसके अंदर तो बेसिकली बेसिकली उन्होंने कहा आजा पुत्र, है ना, उन्होंने कहा आजा जी बड़ा पुत्र, शौक है ना आज वो इंतजार कर रहे थे, आजा पुत्र आजा। तो उसके अंदर इस बार जो है अंदर जाता गया हूँ, अंदर एक आदमी खड़ा हुआ था और क्लियर उसने जो है ग्रे सा लंगोट पहना हुआ था, ठीक है, स्लिम था, सफेद हल्के हल्के बाल होंगे, बाकी दाढ़ी काली थी, थोड़े थोड़े स्लिम वो वाइट बियर्ड थी, और बाल बिखरे हुए जैसे कोई पागल टाइप नहीं होता, नंगे पैर हाँ ऐसे खड़ा हुआ हल्का सा झुका हुआ, ब्लैक उसने हंटर पकड़ा हुआ है, और वो हंटर मतलब प्रॉपर पता लग रहा था, देख के खौफ आ रहा था उस हंटर से, हाँ वो जिस तरह की वो चीज थी, और वो ऐसे अपने कमर पे बार बार मार रहा है, उफ जहां वो खड़ा था ना उसके पैरों के पास ऐसे ब्लैक सर्कल था, पैरों पे जमीन पे ब्लैक सर्कल, और वो जब जब हंटर मार रहा है तब तक वो ब्लैक डार्कनेस जो है वो बढ़ती जा रही है हर हंटर के साथ, और मैं उसे हाँ देखता जा रहा हूँ, और वो इतनी पावरफुल डार्कनेस थी कि वो लाइट को वो इनगल्फ कर रही थी, कि हाँ उसके ऊपर वो ज्यादा वो हावी हो रही थी, वो करती जा रही थी करती जा रही थी। उसमें भी ऐसे ही हुआ है, इस बार भी एग्जैक्टली जब रुका हूँ आने लगा हूं तो बिल्कुल उसी तरह व्हाइट लाइट से बाहर आ रहा हूँ, बाहर आते हुए एज पे एक लाल रंग का आदमी खड़ा था, उसकी स्किन रेड थी, गंजा था, और क्या कहते हैं जैसे पुराने जमाने में वो जंगल में रेड इंडियंस टाइप होते थे ना, जेवर पहने हाँ होते थे हड्डियों वाले जेवर, उस टाइप के उसने अच्छा खासा जेवर पहना हुआ था,
और सर पे भी कुछ ऐसे वो सींगों का कुछ बना के सर पे पहना हुआ था, लेकिन बाकी पूरा सर गंजा था। तो ये मैंने जो है देखा है। और उसमें जो है क्या कहते हैं, वो जो है वो मेरी तरफ देख रहा था, जो वो गंजा था वो मेरी तरफ देख रहा था ऐसे बिल्कुल साकित खड़ा हुआ, बगैर पलके झुका है। तो उसके बाद फिर वो खत्म हो गया। खत्म हो अच्छा गया। फिर जी, मुझे भी अच्छा ये उन्हीं दिनों कोई रेड लाल रंग का आदमी नजर आया था, लाल आगे जी बहुत सारे सर नजर आए थे इबादत करते हुए। क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं यार उसको, वो यहूदियों का क्या होता है, सिनिगॉग, सिनिगॉग जी टाइप की जगह में जो है ना, क्या कहते हैं, बहुत सारे सर जी नजर आए थे लाल, मुझे याद आ गया है। और मुझे ये भी याद आ गया कि एक के हाथ में जो है ना गोल्डन रंग का ऐसा स्टैचू था, लेकिन वो स्टैच्यू ओके पूरा बना हुआ था और कोई चीज़ उसके ऊपर इम्प्रिंट हुई हुई थी, गोल्ड का था, कि चमक बहुत थी उस रेडनेस में भी जो है, रेड जी लाइट में भी वो चमक रहा था, मगर रेड रेड रंग के लोग थे, उनकी स्किन कलर रेड रेड सी थी। वो मुझे अभी याद आ गया है, ये उसी दिन की बात है सही, जो उसके बाद मैंने ये मेरे ख्याल उसी से दिन की कम बात करा दिया था। हाँ मैंने कहा कम कर दो। जी।